जब हम सो रहे होते हैं उस वक़्त हम हकीकत और ख्वाब में फ़र्क महसूस नहीं कर सकते, लेकिन जागते हुए हम इस फर्क को महसूस कर सकते हैं। लेकिन हकीकत और ख्वाब की हकीकत है क्या? कुछ साइंसदानों के लिए हर वो चीज़ हकीकत है जिसकी खसूसियात को मेयर किया जा सकता है। यानी अगर सेब का रंग ग्रीन है तो वो तब भी ग्रीन रहेगा जब कोई उसको देख नहीं रहा होता। हाल ही में 3 साइंसदानों ने नोबेल प्राइज जीता है इस बात को साबित करने के लिए कि हमारी कायनत रियल नहीं है। तो दोस्तों, अगर वाकई में हमारी कायनत रियल नहीं है तो जहाँ पर हम रहते हैं वो क्या है? कुछ देर के लिए इमेजिन करें कि 2 लोग हैं जिनमें एक का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है। ये दोनों हमारे सोलर सिस्टम की मुख्तलिफ सिमत में रहते हैं। अब सोलर सिस्टम में 2 कॉइंस इन दोनों की तरफ फेंके जाते हैं। ये कॉइंस घूमते हुए दोनों तरफ जाएंगे। क्वांटम मैकेनिज्म के मुताबिक ये कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि जब कॉइन जमीन पर गिरेंगे तो उनकी कौन सी साइड नीचे होगी और कौन सी ऊपर होगी। एक की तरफ गिरने वाले कॉइन की हेड साइड ऊपर की तरफ होती है। ये देखकर ए फौरन से सोचता है कि बी के कॉइन की हेड वाली साइड नीचे की तरफ होगी, और हकीकत में भी ऐसा ही होता है। इस कनेक्शन को टेलीपैथिक कनेक्शन कहते हैं और इस प्रोसेस को आइंस्टाइन पोडल स्काई रोशन पैराडॉक्स कहते हैं। हमारी कायनत भी इस प्रोसेस पर काम करती है। हमारी कायनत पे हकीकत क्या है? क्वांटम मैकेनिज्म से पहले साइंसदानों को यकीन था कि वो इस दुनिया की हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। उनको लगता था कि वो फ्यूचर और पास्ट में मौजूद हर सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ ही टाइम बाद साइंसदानों ने क्वांटम इंटेंगलमेंट के नाम से एक थ्योरी बनाई। इसमें उन्होंने बताया कि कैसे 2 पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो एक दूसरे के करीब हैं या दूर हैं। यहाँ तक कि अगर ये पार्टिकल्स कायनत के 2 मुख्तलिफ कोनों में ही क्यों ना हो, ये एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। हमने साइंसदानों से हमेशा ये सुना है कि कायनत में लाइट की स्पीड से तेज कोई भी चीज ट्रेवल नहीं कर सकती, लेकिन उनकी ये बात सच नहीं है। जब हम कायनत के 2 मुख्तलिफ कोनों में 2 पार्टिकल्स को भेजते हैं, तब भी एक पार्टिकल अपने क्वांटम स्टेट की वजह से दूसरे पार्टिकल की क्वांटम स्टेट को कंट्रोल कर लेगा। इसको एक आसान सी मिसाल से समझते हैं। आपके पास 2 बॉक्सेस हैं और इन दोनों में 2-2 स्टोन्स हैं। अगर कोई शख्स इनमें से एक बॉक्स को खोलता है और देखता है कि इसके अंदर स्टोन है, तो वो इस बात को एक नैनो सेकंड में ही जान लेगा कि दूसरे बॉक्स में भी स्टोन होगा। यहाँ तक कि अगर इन बॉक्सेस के दरमियान कई 100 किलोमीटर का फासला हो, तब भी वो इस बात का अंदाजा लगा सकता है। और अगर इन दोनों स्टोन्स के दरमियान इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाए, तो ये इंफॉर्मेशन लाइट की स्पीड से भी 1000 गुना तेजी से ट्रेवल करेगी। इस तरह ये बात गलत साबित हो जाती है कि कायनत में लाइट की स्पीड से तेज कुछ भी ट्रेवल नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ये सवाल आता है कि कायनत की हकीकत से इस बात का क्या ताल्लुक है? जैसे कि आपको पहले बताया गया है कि साइंसदानों के लिए हर वो चीज़ रियल है जिसकी प्रॉपर्टीज वो जान सकते हैं। मिसाल के तौर पर, जब एक दरख्त टूटकर जमीन पर गिरता है तो इसके गिरने से आवाज पैदा होती है। यहाँ तक कि अगर इसका कोई भी ना सुन रहा हो, तब भी इसमें आवाज पैदा होती है। ये बात बहुत अहम है कि हमारी दुनिया हकीकत है, क्योंकि न्यूटन का कहना था कि अगर आप दुनिया की हर चीज की पोजीशन और वेलोसिटीज को जानते हैं और आप उन फोर्सेस को भी जानते हैं जो किसी भी चीज पर असर कर रही हैं, तो फिजिक्स की रूह से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी कायनत फ्यूचर में कैसी होगी। लेकिन अगर हम क्वांटम फिजिक्स की बात करें, तो फिर हम इसको गेस नहीं कर सकते। इसको एक आसान सी मिसाल से समझते हैं। एक बॉक्स लें और इसको मुख्तलिफ रेडियो एक्टिव एटम से फिल कर दें और फिर कुछ टाइम तक इंतजार करें कि क्या होता है। इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनमें से कितने एटम्स बच जाएंगे और कितने तबाह हो जाएंगे, लेकिन आप ये नहीं जान सकेंगे कि तबाह होने वाला एटम कौन सा होगा और जो बच जाएगा वो कौन सा होगा। क्वांटम फिजिक्स की कुछ चीजें तो बहुत ज्यादा अजीब हैं। क्या हो अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन कम पड़ जाए? आइंस्टाइन का मानना था कि 2 चीजें जो आपस में जुड़ी होती हैं, वो कायनत की हकीकत को बदल नहीं सकती, क्योंकि इसके बगैर क्वांटम फिजिक्स नामुकम्मल होती है। उसका ये मानना था कि जिन वेरिएबल्स की वजह से ये 2 चीजें जुड़ी होती हैं, उनको फाइंड नहीं किया जा सकता। लेकिन हाल ही में 3 साइंसदान, जॉन क्लोसर, एलन एस्पेक्ट और एंटन ने इन पार्टिकल्स को फाइंड कर लिया, जिस पर उनको नोबेल प्राइज दिया गया। ये साइंसदान इस नतीजे पर पहुंचे थे कि इन पार्टिकल्स में ऐसी खसूसियात तब तक नहीं मिल सकती जब तक आप इनको मेयर नहीं कर सकते।
मेयर किए बगैर किसी भी तरीके से इन प्रॉपर्टीज का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके उन दोनों चीजों की प्रॉपर्टीज को जानकर उनके वेरिएबल्स को ढूंढ निकाला। साइंसदानों का कहना है कि हकीकत इंफॉर्मेशन से बनती है, लेकिन फिर इंफॉर्मेशन कौन बनाता है, ये क्या है और कहाँ से आती है। इंफॉर्मेशन एक ऐसा मीनिंग है जिसको हम सिंबल्स में बयान करते हैं, और मीनिंग कुछ नहीं, बस हम जिस चीज के बारे में पहले से ही जानते हैं उस जैसी ही किसी और चीज के बारे में जानना मीनिंग है। इसको कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। जिस तरह हम तो आपस में जुड़े हुए पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं, बिल्कुल वैसे ही मीनिंग और इंफॉर्मेशन भी मौजूद होती हैं। अगर ये सब कुछ सच है जब हम इसको सोचते हैं या मेयर करते हैं, अगर ये बात सच है तो इसका क्या मतलब है? हकीकत सिर्फ वही है जो हमारे जहनों में है या जो हम सोचते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अक्सर ही मूवीज देखते और वीडियो गेम खेलते हुए हर इंसान अपनी अपनी सोच में गुम होता है। हम स्क्रीन पर देखते और सुनते जो भी कुछ सोच रहे होते हैं, स्क्रीन पर नजर आने वाले करेक्टर का उसे कोई भी लेना देना नहीं होता। इससे सिर्फ हमारा ही फायदा और नुकसान होता है। अभी तक कोई भी ला ऐसा नहीं बन सका जो ये बता सके कि कोई भी इंसान अगले ही लम्हे क्या सोचने वाला है। अगर कोई वक्त ऐसा आ गया जिसमें हम दूसरों के दिमाग पढ़ना शुरू कर दें, तो उस वक्त हम सिमुलेटेड रियलिटीज में रह रहे होंगे। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो ने आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज किया होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मैकेनिज्म को इस्तेमाल किया गया है जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। वैसे फिर भी आप इसके बारे में क्या कहते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कायनात के साइज के बारे में बात की जाए तो हमारी कायनात का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। हमारी कायनात को बने हुए 13.7 अरब साल हो चुके हैं। जब से हमारी कायनात बनी है तब से ये मुसलसल फैली जा रही है, और इसमें ऐसे ऐसे पार्टिकल्स बने हैं जिनके बारे में साइंसदानों को पता भी नहीं है, लेकिन वक्त के साथ साथ हम उन पार्टिकल्स को ढूंढ रहे हैं। जैसे जैसे हमारी कायनात फैलती जा रही है, इसका साइज बड़ा होता जा रहा है और इसमें नए नए ऑब्जेक्ट बनते जा रहे हैं। यानी अगर हम आज अपनी कायनात को मुकम्मल तौर पर स्टडी कर लेते हैं तो अगले ही लम्हे इसमें और पार्टिकल्स बन जाएंगे और स्टार्स और ऑब्जेक्ट बन जाएंगे जिनके बारे में हमें पता नहीं होगा। आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि हम जितना भी अपनी कायनात को स्टडी कर ले उतना ही ये बढ़ती जाएगी, और उसमें उतने ही ज्यादा राज बढ़ते जाएंगे जिनके बारे में हम कभी भी सोच नहीं सकते। इसकी एक अच्छी मिसाल है हमारी कायनात का साइज। अगर आज हम हमारी कायनात के साइज के बारे में अच्छी तरह से जान पाते हैं, लेकिन उसके अगले दिन ही हमारी कायनात मजीद बढ़ चुकी होगी और हमें पता भी नहीं होगा कि हमारी कायनात का साइज अब कितना बड़ा हो चुका है, और हमें ये भी पता नहीं होगा कि जितना साइज बड़ा है इसके अंदर कौन कौन से नए ऑब्जेक्ट बने हैं, और ये सिलसिला क्यामत तक चलता रहेगा। और ये कायनात मेरे अल्लाह ने बनाई है, जिसने इंसानों की एक लिमिट रखी है। ना इंसान उस लिमिट से आगे जा सकता है और ना इंसान उस लिमिट से आगे सोच सकता है। वैसे आप इन चीजों के बारे में क्या कहेंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।